नमस्कार साथियों, पिछले क्लास में हमने वैज्ञानिक के बारे में देखा, कुछ हिस्ट्री के बारे में थे, इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन जितने वैज्ञानिक का था वो आपने शायद नोट्स बना लिया था। अब आज जो हम बात करेंगे ना, टॉपिक मेनली यहाँ से शुरू होते हैं जिसका नाम है डिजीज क्लासिफिकेशन। अब हम बीमारियों को क्लासिफाइड करेंगे। देखो, कई तरह के क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे, कुछ होते हैं बायोटिक फैक्टर से होते हैं, कुछ एबायोटिक फैक्टर से होते हैं, कुछ का क्लासिफिकेशन सिम्टम्स के आधार पे किया गया है कि फंजाई का सिम्टम्स कैसे होते हैं, बैक्टीरियल सिम्टम्स कैसे होते हैं, वायरस का सिम्टम्स कैसा होता है, तो सिम्टम्स के आधार से भी पढ़ोगे। कुछ क्लासिफिकेशन ऐसे आप पढ़ोगे जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है, जैसे सीरियल्स के डिजीज आप अलग पढ़ते हो, उसके बाद वेजिटेबल्स के अलग पढ़ोगे, हॉर्टिकल्चर अलग होगा, फ्लोरिकल्चर अलग होगा। इनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, डिजीज के क्लासिफिकेशन। मेनली जो प्रश्न आते हैं आपको कहाँ से आएगा डिजीज क्लासिफिकेशन का, वो आएगा निम्नलिखित में से कौन सॉइल बॉर्न डिजीज है, कौन एयर बॉर्न है, कौन सीड बॉर्न डिजीज है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और एक आएगा स्प्रीड के नेचर पे, कि बेस्ड ऑन स्प्रीड। कुछ डिजीज होते हैं जो कम एरिया में फैलाव रखते हैं, कुछ होते हैं बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, बहुत ज्यादा दूर तक अपने प्रभाव को डालता है, तो इसके बारे में हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो कॉपी पेन निकाल लेना और शुरू करें आज के टॉपिक जिसका नाम क्या है, डिजीज क्लासिफिकेशन। इनमें से हम जो फर्स्ट डिजीज क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो किसके आधार पे करेंगे, देखो तो बेस्ड ऑन किसके आधार पे है, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर के आधार पे। तो आप हेडिंग देना और इसी के आधार पे अपन लिखना भी शुरू करेंगे कि बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर के आधार पे कौन कौन से आएगा। इसके दो भाग आप बांट सकते हो, बायोटिक एंड एबायोटिक के कितने भाग बन सकते हैं बताओ, दो भाग। कौन कौन? एक तो ऐसा बीमारी जो किससे होता है, बायोटिक फैक्टर, यानी जिसमें क्या है, जीवन है, यानी कह सकते हैं हम जैविक कारक से। ये कई जगह तुझे एग्रीकल्चर की क्लास में देखने को मिलेगा, बायोटिक फैक्टर। क्या क्या हो सकता है बायोटिक बताओ, या तो बीमारी किससे फैल जाए बताओ, फंजाई से फैल जाए, या तो बीमारी किससे होता हो, बैक्टीरिया, इसको हिंदी इंग्लिश करूं या कर लोगे, इसमें क्या करना बताओ, या तो बीमारी किससे हो सकता है, वायरस से हो सकता है, या बीमारी तुझे पढ़ना है अब जानते हो किससे, प्रोटोजुअन, यानी किससे हो, प्रोटोजुआ, ये भी बायोटिक के अंतर्गत, या बीमारी हो जाए किससे, निमाटोड से, किससे हो जाए बताओ, निमाटोड से, तो ये किसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे बायोटिक फैक्टर। और एक और आपके जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वो है प्लांट पैरासाइट्स, कौन है बताओ, प्लांट पेरासाइट्स। तो ये सारे जो है इसमें जीवन है, इसके द्वारा एबनॉर्मलिटी जो आते हैं, मेटाबॉलिक जो फंक्शन होता है वो नॉर्मल नहीं होंगे, सामान्य नहीं होगा, उसे तो हम बीमारी कहेंगे। और ये किसके कारण होता है, जैविक कारकों से, इसीलिए इसको बायोटिक के अंतर्गत रखेंगे। ए बायोटिक के अंतर्गत किसे रखते हो बताओ, जो ए बायोटिक से बीमारी हो, या इसे हम बोलते हैं कौन सा कारक बताइए आप जल्दी से, अजैविक कारक। कौन सी कारक है, अजैविक। अजैविक मतलब बताओ, यानी एबनॉर्मलिटी तो होंगे, मेटाबॉलिज्म जो है उपापचयी की क्रिया उसको प्रभावित तो करेगा, लेकिन जीवित जीव नहीं है, कैसा है, नॉन लिविंग वाले। तो नॉन लिविंग हो सकता है न्यूट्रिएंट की कमी हो, यानी हो सकता है आपका क्या है, न्यूट्रिशनल वाले हो सकते हैं, नाइट्रोजन की कमी हो, फास्फोरस की कमी हो, किसका है, बोरोन की कमी, यहाँ खूब पढ़ते होंगे आप, कैल्शियम की अधिकता, उसकी कमी, इसके कारण हो सकता है। दूसरा हो सकता है बताओ, मॉइस्चर से, किससे हो सकता है बताओ, मॉइस्चर, ये भी किसके अंतर्गत आएंगे, बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत। और क्या आएगा बताओ, ह्यूमिडिटी, ये किसके अंतर्गत आते हैं बताओ, ये भी आएंगे बायोटिक। और आपको पढ़ना है तो अगर हार्मोन भी मैं लिखू ना, एनिमल में पढ़ाते हैं हार्मोन, तो वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, एबायोटिक के, किसके अंतर्गत आएंगे, एबायोटिक। और आप देखते होंगे सेलेनिटी, एल्केलिनिटी, सेलेनिटी, ये सब, तो ये भी आते हैं किसके अंतर्गत, एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत। तो दो तरह के बीमारी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक बेस्ड ऑन बायोटिक एंड एबायोटिक। सारे बच्चे लेकिन नोट्स बनाना, आप अच्छा बनेगा इसमें नोट्स। अब जो हम बात करेंगे कि अब बीमारी जो क्लासिफिकेशन हो रहा है, होस्ट प्लांट इफेक्टेड, यानी होस्ट प्लांट कौन कौन है, यानी कह सकते हो कि डिजीज जो आप पढ़ोगे बाद में, डिजीज ऑफ सीरियल्स, यानी किस पे बीमारी कर रहा है, होस्ट प्लांट क्या है बताओ, सीरियल्स है।
और क्या हो सकता है, होस्ट प्लांट क्या हो सकते हैं। सीरियल्स के अंतर्गत ही आप मोटे अनाज आजकल खूब चल रहे हैं देश दुनिया में, मिलेट्स बीमारी आप किस में पढ़ना है, मिलेट्स बाजरा ज्वार इनमें पढ़ना है। अगला पढ़ सकते हो डिजीज ऑफ किस में हो सकता है, होस्ट प्लांट वाइल्ड सीड हो सकते हैं। डिजीज ऑफ किसका हो सकता है बताओ, पल्सेज में आपको पढ़ना है। तो ये एक ना ओवरव्यू बन जाएंगे कि क्लासिफिकेशन में किस तरह से आप टॉपिक पढ़ोगे। अगला डिजीज आप पढ़ सकते हो, जानते हो फोडर का, फाइबर का, किसका पढ़ सकते हैं फाइबर का। उसके बाद चारा वाले को क्या बोलते हो, फोडर क्रॉप। कौन सा क्रॉप है ये, फोडर क्रॉप। जो नहीं समझ में आए वो आप बोल देना, मैं हिंदी इंग्लिश यहां कर दूंगा। अगला और आप देखोगे डिजीज ऑन किस पे पढ़ना है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तुझे पूरी अच्छे से पढ़ना है, किसकी पढ़ना है बताओ, हॉर्टिकल्चर क्रॉप। और हॉर्टिकल्चर क्रॉप में किसका किसका डिजीज पढ़ना है बताओ, तो ये पढ़ना है तुझे किसका, फ्रूट का। और किसका डिजीज पढ़ना है, वेजिटेबल्स का। और किसका डिजीज पढ़ना है बताओ, फ्लावर का यानी फ्लोरिकल्चर वाले डिजीज। और किसका डिजीज पढ़ना है, प्लांटेशन क्रॉप का। प्लांटेशन क्रॉप में आपको दो तीन डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट, कॉफी का पढ़ना है, टी का पढ़ना है, ये सब इंपॉर्टेंट डिजीज, नारियल का पढ़ना है। और कौन आ सकता है, तो और आ सकता है अपने पास एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट। ये कोई पढ़ाता नहीं है, ना ही अपने पास है मेडिसिनल प्लांट। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट जानते हो डिजीज पढ़ना है आपको स्पाइसेस का। स्पाइसेस का मतलब समझते हो ना, मसाला का, जैसे धनिया हो गया, जीरा हो गया, इन सब की बीमारी आपको पढ़ना है। तो ये किस में हो गया, बेस्ड ऑन होस्ट प्लांट अफेक्टेड। कौन सा प्लांट क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, इस पे हम डिजीज की क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। अब मैं यहां से जो ले रहा हूं ये हमें हर टॉपिक में जरूरत पड़ेंगे। बार बार मैं इतने दिमाग नहीं खाएंगे अपन, रस्ट क्या है, ये रस्ट ऑलरेडी तुम पढ़ोगे कहां, क्रॉप के साथ। किसके साथ पढ़ेंगे, यहां जो बीमारी पढ़ेंगे ना वो समेराइज फॉर्म में पढ़ेंगे, क्योंकि क्रॉप के साथ फिर बीमारी पढ़ोगे तो पैथो इतनी बड़ी हो जाएगी, 200-250 लेक्चर की बन जाएगी। तो अब अगला जो क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, बेस्ड ऑन काइंड ऑफ सिम्टम्स, यानी सिम्टम्स के प्रकार के आधार पे। तो कौन कौन हमें पढ़ना है बताओ, बेसिकली जो पढ़ना है आपको ये पढ़ना है फंगल का सिम्टम्स। किसका पढ़ना है बताओ, कि कैसे पहचान जाओगे कि भाई ये कवक के द्वारा हो रहे हैं। दूसरा हम किसके बारे में पढ़ेंगे बताओ, बैक्टीरिया का सिम्टम्स। और तीसरा हम पढ़ने वाले हैं किसके, वायरस का सिम्टम्स। हर एक बीमारी में ये सिम्टम्स कॉमन आएंगे। अगर कभी भी जीवन में रस्ट आ गया, चाहे रस्ट कहीं भी हो, बारले में रस्ट हो, गेहूं में रस्ट हो, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, यार ये कवक से होते हैं। किससे होते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं कैंकर, क्या बोल दिया बताओ, कैंकर। तो ये कैंकर जो है ना दोनों काउज करता है, फंजाई से भी कैंकर होते हैं और बैक्टीरिया से भी क्या होते हैं, कैंकर। लेकिन अगर मैं बोलूं तुझे बिल्ट, तो ये भी दोनों काउज करते हैं, फंगस भी काउज करेगा और क्या करता है, बैक्टीरिया। लेकिन मैं बोलूं तुझे स्मट, तो ये दिमाग में आना चाहिए ये किससे काउज होते हैं, फंजाई से। अगर मैं बोलूं तुझे पाउडरी माइल्ड्यू, तो ये किससे होते हैं बताओ, फंगस से। अगर मैं बोलूं डाउनी माइल्ड्यू, तो ये भी किससे होते हैं बताओ, ये कहलाता है बेस्ड ऑन काइंड ऑफ सिम्टम्स। अगर मैं बोलूं केवल स्पॉट्स, धब्बा, पत्ती धब्बा, तो ये दोनों से काउज होते हैं, फंजाई भी करता है पत्ती धब्बा और बैक्टीरिया भी क्या करेगा बताओ, पत्ती धब्बा। लेकिन मैं ये सिम्टम्स जरूरी है, मैं बोलूं यार बेटा मोजाइक, तो आपके दिमाग में आना चाहिए एजाइक, मोजाइक, ये कौन करते हैं बताओ, वायरस। मैं बोलूं आपको कर्ल, फंजाई भी करते हैं कर्ल, लेकिन अधिकांशता कौन करता है बताओ, वायरस। क्या करता है, कर्ल। मैं बोलूं एग्जाम में आ जाए ड्वार्फिंग, ड्वार्फिंग छोटा होना, पत्तियों का छोटा होना, तो ये ज्यादा कौन करता है, वायरस करेगा। और कौन करता है, माइकोप्लाज्मा। जब तक ये चीजें अपने समझ में नहीं आए, मैं बोलूं मोल्टिंग, मॉटलिंग, तो ये मॉटलिंग किससे होता है, वायरस से होता है। किससे होता है, तो ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आपको पता होनी चाहिए कि कौन। अच्छा, और एग्जाम में आते हैं, मैं तुमसे बोल दूं ब्लिस्टर कौन करता है बताओ, तो ब्लिस्टर जो देखा होगा सिम्टम्स, ये किससे होते हैं, फंजाई से।
किससे होते हैं बताओ, फंजाइस। तो इसके आधार पे हम डिजीज का करने वाले हैं क्लासिफिकेशन, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से अपने जरा ध्यान ज्यादा देंगे। वहां कोई नहीं आएगा बायोटिक कौन है, एबायोटिक कौन है, उस क्लासिफिकेशन सीरियल्स में कौन आते हैं, हॉर्टिकल्चर में कौन आते हैं, ये कोई नहीं। तो हम सबसे पहला जो सिम्टम्स पढ़ने वाले हैं वो किसका पढ़ेंगे बताओ, कवक के द्वारा। किसके द्वारा सिम्टम्स पढ़ने वाले हैं, कवक के द्वारा। और कवक में भी देखो, हिंदी इंग्लिश की जगह मुझे थोड़ी सी मिली है, पर मैं कर दूंगा तेरे लिए, ये एक बार मिटा दूं नीचे वाला कि लिखोगे इसको भी, ठीक है लिखना। तो मैं अब हिंदी कहां लिखूंगा बताओ। पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, रस्ट। क्या है बताओ, रस्ट। इतना अच्छा एकदम बनना चाहिए, नोट्स 4 दिन लगाता हूं तब मैं आता हूं क्लास लेने के। नहीं ठीक है, अब पहला हम क्या पढ़ेंगे, रस्ट। ये सिम्टम्स आप देखो, रस्ट। रस्ट में जो सिम्टम्स है, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, डायरेक्ट ये पूछ लेगा, ये स्मॉल पॉस्चर ऑफ स्पोर। स्पोर का पॉस्चोल्स क्या है, ये स्मॉल स्मॉल, छोटे छोटे। अच्छा बताओ, रस्ट में ये जो पॉस्चोल बने हैं ये रंग कैसा हो सकता है? तो ये रंग लिख दिया हूं, रेड भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकता है, येलो रस्ट भी नाम सुने हो, ब्लैक रस्ट भी नाम सुना हो। ये जो पॉस्चोल है ये किसी भी कलर का हो सकते हैं, ध्यान रखोगे। तो ये परिभाषा में इतना सारे चीज, ज्यादा तो नहीं मैं अंडरलाइन कर देता हूं, वो तुझे ध्यान में होनी चाहिए। इसकी कलर कैसा होगा, ये कैसा होता है, कॉम्पैक्ट। ये तुझे ना गांठ के जैसा दिखेगा, बिखरे हुए नहीं है। कैसा दिखते हैं, गांठ। जब इसको छुओगे सतह पे तो खुरदर्रा दिखेगा। कैसा दिखेगा भाई, बाद में अधिकारी बन जाओगे, आपको सिम्टम्स ही नहीं पहचानने आ रहा है तो क्या मतलब। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैथोलॉजी में होते हैं सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना। अगर तुझे नहीं पता है खेत में कि ये कवक के द्वारा लगा है तो छिड़काव कैसे कराओगे? अगर नहीं पता है कि ये वायरल बीमारी है तो छिड़काव क्या, फंजीसाइड कोई भी डलवा दे दो चार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सिम्टम्स। तो सिम्टम्स आपको 10-20 आज बताऊंगा, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए आना चाहिए। तो ये रस्ट, रस्ट किसमें होते हैं, वीट में, बार्ले में, ये तो बाद में पढ़ोगे, हम केवल आज सिम्टम्स की चर्चा करेंगे, ठीक है। अगला जो हम पढ़ेंगे इसका नाम क्या है, स्मट। क्या है मेरे डियर, स्मट। आप पहले स्मट को देखो तब इधर पढ़ो। एक बार स्मट को देखो यार, कुछ ऐसा लग रहा है ना कि ब्लैक कलर दिख रहा है, ये तो नॉर्मल दिखाया ब्लैक कलर, और इसमें पाउडर के जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। सेम चीज ये लिखना, सूटी का मतलब होता है चिपचिपा, चारकोल लाइक संरचना, ये आना चाहिए। कहीं भी लिखोगे तो ये पॉइंट देना आवश्यक है। कैसा होगा बताओ, स्मट का मतलब क्या होता है, सूटी एंड चारकोल लाइक पाउडर, ये बस इतना पाउडर होना चाहिए। अगला, स्मट अफेक्ट द प्लांट सो ब्लैक, कैसा कलर शो करेगा बताओ, ब्लैक करेगा या परवलिस्क ब्लैक। और ये कैसा होता है, डस्टी मास। डस्टी का मतलब डस्ट, धूल कण समझते हो ना, उसके जैसा, मास के जैसा। ये दो लाइन आपको ये छोड़ देना, इधर की पॉइंट आप नहीं भी लिखोगे तो कोई मतलब नहीं भाई, मेरा तो नोट्स पूरी आने का, तभी तो लड़के को कोई समझे। आप शॉर्ट में यही लिखना है, कैसा पाउडर बनेगा, सूटी एंड चारकोल लाइक पाउडर बनेगा, और उस पाउडर का कलर कैसा होगा, ब्लैक, बस छोड़ देना। अब ये उदाहरण है, लूज स्मट ऑफ वीट किससे होता है, फंजाई। फंजाई का नाम याद होना चाहिए, स्टिलागो ट्रेटिके, ठीक है। तो ये तो बाद में भी पढ़ोगे, अभी 4 बार आएगा, अपन एग्जाम्पल पे ध्यान नहीं देंगे। दूसरा कौन है, पाउडरी माइल्ड्यू। ये पाउडरी माइल्ड्यू का मतलब आप देखो, पत्तियों पे, फलों पे पाउडर लाइक संरचना, कैसी संरचना है, और इसके जो मांस बन रहे हैं ना वो कलर में कैसा दिख रहा है, व्हाइट। अब ये जो बेसिकली इफेक्ट करता है ये फंगस, ये किसमें आते हैं, ये मैंगो में आपको दिखेंगे। ये कहां दिखता है बताओ, कुकर विट्स में आपको देखने को मिलेगा। ये कहां देखने को मिलता है, बेर में आपको देखने को मिलेगा पाउडरी मैल्ड्यू। तो ये और कहां देखने को मिलता है, ग्रेप्स में भी आपको देखने को मिलेगा क्या, पाउडरी मैल्ड्यू। क्या है पाउडरी मैल्ड्यू, अब समझते हैं। कहां देगा, होस्ट के सरफेस, डस्ट, डस्ट के जैसा, और कैसा एपियरेंस होगा बताओ, पाउडर। लेकिन कौन सा पाउडर का एपियरेंस है बताओ, कैसा पाउडर आपको दिखेगा, ये व्हाइट।
अब एग्जाम में तुमसे पूछा कि ये जो सफेद पाउडर है एक्चुअल में ये है क्या? फंगस है, बस छोटी सी बात। ये क्या है बताओ? फंगस। फंगस का कौन सा पार्ट है भाई? ये तो सारे कॉलोनी बनाया हुआ है फंगस। फंगस का ये क्या है? कोनिडिया है। क्या है ये फंगस का? कोनिडिया। फंगस का क्या है? कोनिडिया। इतने सारे पॉइंट आपको आना चाहिए। ब्लैक माइन्यूट फ्रूटिंग बॉडी मे बी ऑल्सो सीन। कुछ कुछ आपको काले काले भी इसमें क्या हो रहे होंगे, दिख रहे होंगे, ये दिखेगा। पाउडरी मैल्ड्यू किससे, कुकरबिट्स में किससे होते हैं? दो तीन स्पीसीज है इसका, एक तो इरिसिफी है, एक ओडियम है, ये सब बाद में आएंगे, अभी आप छोड़ देना। ग्रेप्स में किससे होता है? अंसिलून। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पाउडरी मैल्ड्यू लिख लेगा इसका। अगला डाउनी मैल्ड्यू का मतलब, पाउडरी मैल्ड्यू में क्या हुआ, पत्ती के ऊपर आपको कोनिडिया का जमाव दिखा, इसे हम क्या बोलेंगे? पाउडरी मैल्ड्यू। लेकिन यहां आपको कहां दिख रहा है बताओ? नाम है क्या? डाउनी मैल्ड्यू। तो डाउनी मैल्ड्यू का मतलब यहां आपको लोअर सरफेस पे आपको देखने को मिलेगा पाउडर लाइक संरचना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाउनी मैल्ड्यू। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको सीरियस डिजीज देखने को मिलेगा कहां? ग्रेप्स में। अब ये है क्या बताओ? तो इसमें क्या है, किस कंडीशन में, देखो ये भी एग्जाम में पूछता है, किस कंडीशन में डाउनी मैल्ड्यू ज्यादा विकसित होते हैं? तो मैं अंडरलाइन कर देता हूं। पहला, ह्यूमिड कंडीशन में, यानी कंडीशन कैसा होना चाहिए बताओ? आर्द्र। आर्द्र का मतलब वातावरण में नमी होनी चाहिए। नमी ज्यादा, बीमारी ज्यादा, कवक ज्यादा। अब यहां पे क्या है, स्पोरेंजियोफोर, ये सब पार्ट किसका है? फंगस का, जब पढ़ेंगे बड़ा अच्छा से। और इसका क्या है? स्पोरेंजिया, स्पोर बनाने वाले। फोर का मतलब जब भी आ जाए ना, स्पोरेंजियो फोर डंठल, स्पोरेंजिया थैला, स्पोर यानी उस स्पोरेंजिया में क्या होगा? स्पोर होगा। अरे एक डंठल है, इसको आज के बाद क्या बोलोगे? स्पोरेंजियो फोर। यहां पे ये गोल गोल मान लिया जाए कोई बॉक्स स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे स्पोरेंजिया। और उसके अंदर जैसे मैं बोलू ये क्या है, तो बोलोगे स्पोरेंजियो फोर डंठल। ये क्या है, तो ये बोलोगे स्पोरेंजिया। इसके अंदर ये क्या है, ये बोलोगे स्पोर है। क्या है ये? स्पोर। ये क्या है? स्पोरेंजिया है। क्या है ये? स्पोरेंजिया है। और ये वाला भाग क्या है? डंठल, स्पोरेंजियो फोर है। बस हो गया, समझ गए तीनों पार्ट अपने को यहां से समझ में आया। चलो अब आगे, कौन सी सरफेस पे मैंने बोला डाउनी मैल्ड्यू बताओ? अंडर सरफेस ऑफ लिप्स। तो दो तीन पॉइंट आपको ह्यूमिड कंडीशन में होगा। क्या दिख रहा है बताओ? प्रोडक्शन किसका हो रहा है बताओ? अस्पोरेंजियो फोर एन किसका? अस्पोरेंजिया का। व्हाइट और ग्रे ब्लूम डेवलप होगा, कैसा कलर डेवलप होगा? सफेद होगा। लेसन बनेंगे, कहां लेसन ये बन रहा है बताओ? ये बन रहे हैं अंडर सरफेस ऑफ लिप्स, इसे हम कहते हैं डाउनी ग्रोथ। अब ये डाउनी मैल्ड्यू किसका है बताओ? ग्रेप्स का। उदाहरण किससे होते हैं, किससे होता है? तो प्लाज्मोफोरा वेटिकोला। अगला डाउनी मैल्ड्यू कुकरबिट्स में अगर पूछ लिया जाए तो सूडो पेरेनुलोस्पोर, और क्या है? क्यूवेंसिस। तो ये दोनों पॉइंट अपने को आना चाहिए। और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है प्लाज्मोफोरा वीटिकोला, ठीक है? ये दोनों आप लिख लेना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, डाउनी मैल्ड्यू पाउडरी मैल्ड्यू हो गया। अगला जो सिम्टम्स मैं आपको दिखाने वाला हूं वो कौन है? व्हाइट ब्लिस्टर। नाम से ही पता है, एक ब्लिस्टर का मतलब होता है ना धब्बा। ब्लिस्टर का मतलब क्या है? धब्बा। लेकिन ये धब्बा कैसा है बताओ? व्हाइट। अब ये सारे धब्बा ना एग्रीगेट हो रहे हैं, देखो सफेद सफेद धब्बा। बेसिकली ये व्हाइट ब्लिस्टर आपको देखने को मिलेगा कहां? कुकरबिट्स। कहां देखने को मिल, कुकरबिट में, क्रूसी फेरी में। कहां देखने को मिलेगा? क्रूसी फेरी में, क्रूसी फेरी वाले फैमिली जो होते हैं, या कह सकते हो ब्रैसिकेसी में, ब्रैसिकेसी में। यहां आपको देखने को मिलेगा क्या? व्हाइट ब्लिस्टर। तो ये मैंने लिख दिया, ऑन लिप्स ऑफ क्रूसी फेरी एंड अदर प्लांट दे मे बी न्यूमरस, अनेक प्रकार के व्हाइट ब्लिस्टर लाइक पॉस्टुल्स,
विच ब्रेक ओपन दी एपिडर्म्स एंड एक्सपोज पाउडर मास ऑफ स्पोर। क्या है इसमें भी, क्या है बताओ? ये केवल ये समझना है, आप सीधा लिख सकते हो व्हाइट पाउडर मास। हो गया खेल खत्म। व्हाइट पाउडर मास किसका ये कैरेक्टर है, किसमें ज्यादा ये कुकर नहीं, क्रूसी फेरी में, ठीक है। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसी फेरी एल्विगो कैंडिडा, व्हाइट रस्ट ऑफ एमारेंथस एल्विगो ब्लिटी, दोनों लिख भी दिया, ये अपने काम भी होते जाते हैं कि भाई डाउनी मेल्ड्यू पॉडी मेल्ड्यू किसमें ज्यादा लगते हैं। अधिकांशतः अपन उदाहरण से भी काम होते रहेंगे, पढ़ रहा हूं केवल क्या सिम्टम। ये तो बेनिफिट्स है कि इसके साथ साथ अपन जोड़ रहे हैं इसको, कि भाई एक एक उदाहरण भी ले लेते हैं। अगला है स्क्लेरेशिया। अब स्क्लेरेशिया क्या होता है? ये होता है स्क्लोरिटम इज ए कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, हार्ड। क्या होता है ये? हार्ड, हार्ड मास डोरमेंट फंगल माइसेलियम। ये है क्या? जो डोरमेंसी में माइसेलियम है उसका जमाव है। कैसा कलर बनाएगा बताओ? ये मोस्टली जो कलर बनाते हैं डार्क कलर एंड हार्ड। ये कैसा बन रहा है बताओ? डार्क कलर बनाएगा। और कैसा है ये? हार्ड, डोरमेंट माइसेलियम इकट्ठा होके इस तरह के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको आज के बाद आप क्या बोलोगे? स्क्लेरेशिया, ठीक है। अब इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है, अर्गट ऑफ राई और दूसरा, ये तो हर एग्जाम में पूछता है, अर्गट ऑफ बाजरा। किससे होते हैं? क्लेविसेप फ्यूजीफॉर्मिस। तो ये है अर्गट ऑफ बाजरा, ये जो इमेज दिख रहा है आपको ये किसका है? अर्गट ऑफ बाजरा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, ब्लॉच किसे कहते हैं? जब भी आ जाए शब्द ब्लॉच तो ब्लॉच का मतलब क्या होता है? ब्लॉच का मतलब होता है फ्रूट ए ब्लॉच, यानी ब्लॉच का मतलब आप कहोगे ना तो धब्बा। और देखते हो जानवरों में होता है मुहासा, मुहासा समझते हो? अरे फोड़ा, फुलसी, हल्का फलका, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉच। तब ये ब्लॉच देखने को मिलता है किसमें? एप्पल में। यहां मैंने बोल दिया सूटी ब्लॉच, ये वाले यहां पे लग रहा है इतना मुहासा जैसे चेहरे पे आ जाते हैं इस टाइप का, ये मुहासा। और धसा हुआ स्ट्रक्चर अगर आ जाए, धसा हुआ का मतलब आ जाए संकन, संकन। ये स्ट्रक्चर ऐसा देखे आपको कि पल्प पे धसा हुआ, गुदा पे धसा हुआ संरचना, इसको स्कैब बोलेंगे। क्या बोलोगे बताओ? स्कैब। सेब पे धसा हुआ संरचना क्या कहलाएगा? स्कैब। तो ये दोनों में ध्यान रखना, स्कैब। अगला आ जाओ, ओवर ग्रोथ या हाइपरट्रॉफी। अब हम बात करेंगे फंगल सिम्टम्स, तो बात करेंगे ही किसका? फंगल सिम्टम्स का। लेकिन ये सिम्टम्स क्या होगा? ज्यादा ग्रोथ दिखाएगा, ज्यादा वृद्धि दिखाएगा। क्या दिखाएगा ये बताओ? ज्यादा वृद्धि दिखाएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट कौन है बताओ? गॉल। गॉल का मतलब होता है गांठ। गॉल का मतलब क्या है? तो एक सेल है और इस सेल ने अपनी वृद्धि क्या की? दिखाया बताओ? ज्यादा। तो ये क्या हो गया बताओ? गॉल। क्या हो गया ये? गॉल। अब पहला जो हम गॉल पढ़ने वाले, जैसे क्लब रॉट किसमें होता है? कैबेज में। किसके द्वारा होता है? फंगस के द्वारा। और इसका नाम है प्लाज्मोडाइफोरा, ये भी एग्जाम में बहुत आते हैं, प्लाज्मोडाइफोरा ब्रेसिकी। दूसरा है स्टेम गॉल, यानी कि ये तना है और इसी पे क्या हो जाए बताओ? गॉल हो जाए, तना पे गॉल हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? स्टेम गॉल। किसमें है? कोरिएंडर। कोरिएंडर को क्या बोलते हो? धनिया। और कैवेज क्या है बताओ? पत्ता गोभी। कैवेज क्या है? पत्ता गोभी। अब ये पूरा नाम मैं लिख सकता हूं प्लाज्मोफोरा, प्लाज्मोफोरा ब्रेसिका या ब्रेसिकी, लेकिन आप खुद ही लिख लेना इसको। ये किससे होता है? प्रोटोमाइसी मैक्रोस्पोरस से। पूरा याद नहीं करना है पर मैं ये वाले जो पॉइंट है क्लब रॉट ये आते हैं, इसको आप ध्यान में रखना। क्लब रॉट क्या है बताओ? क्लब रॉट। बाद में और डिजीज पढ़ेंगे। अगला और है ओवर ग्रोथ, जिसका नाम क्या है? वार्ट। ये बीमारी देखने को मिलता है किसमें? पोटैटो में। कहां देखने को मिलेगा? पोटैटो में। और ये पोटैटो में भी ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलता है, और वो भी कहां है? वेस्ट बंगाल में। डब्ल्यू से वार्ट और डब्ल्यू से क्या है? वेस्ट बंगाल। ओवर ग्रोथ आपको दिख रहा है कहां बताओ?
ट्यूबर में, कहां दिख रहा है, या कह सकते हैं स्मॉल गोल, बड़ा गोल तो नहीं है, स्मॉल गोल को आज के बाद हम क्या बोलेंगे बताओ, वार्ट। क्या बोलोगे, वार्ट। वार्ट कहां है, पोटैटो में। किससे होता है वार्ट पोटैटो में बताओ, फंजाई से, और उस फंजाई का नाम आपको पूछेगा, और ये कहां कंफर्म है ये एरिया, उसी एरिया में ज्यादा देखने को मिलता है, और किसी खास एरिया में अगर कोई बीमारी ज्यादा देखने को मिलता है इसी खास एरिया में, तो इसको बोलते हैं इंडेमिक। क्या बोलते हैं बताओ, किसी खास एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में आपको देखने को मिले। अब इस कवक का नाम आपको याद रखना है, सिन, सही करना, सिनक्राइटियम इंडोबायोटिकम। क्या नाम है, सिनक्राइटियम इंडोबायोटिकम, इसका नाम याद रखना। क्या नाम है फिर से बोलो, सिनक्राइटियम इंडोबायोटिकम। वार्ट क्या है, ओवर ग्रोथ हुआ, ओवर ग्रोथ को हम गॉल भी कहते हैं, छोटकिनिया गॉल क्या कहलाएगा, वार्ट। कहां ज्यादा ये कन्फाइन होते हैं, वेस्ट बंगाल में। कहां लगता है, पोटैटो में। किसके द्वारा होता है, फंजाई, और फंजाई का नाम क्या है, सिनक्राइटियम इंडोबायोटिकम, सिनक्राइटियम इंडोबायोटिकम। तो आपने ये सिम्टम्स देख लिया, वर्ड सारे सिम्टम्स में किसका दिखा रहा हूं बताओ, फंजाई। एक बार कभी वार्ट आई तो दिमाग में एक चीज तो आएगा यार, कि किससे होते हैं, फंगस से होते हैं, फंजीसाइड का उपचार करोगे। अगला है कर्ल। देखो बेसिकली जो कर्ल होता है ना, ये होते हैं वायरस से। किससे होता है बताओ, वायरस से। लेकिन कुछ कर्ल ऐसे हैं जो किससे होते हैं, फंगस से भी होते हैं, फंगल भी है। तो लिप्स घूम जाएगा, और इसमें क्या है, पीच का कर्ल। किसका है, पीच का कर्ल। टेफरिना डिफॉर्मनस, तो ये है किसका, पीच का कर्ल। कर्ल का मतलब पत्ते का मुड़ जाना। अब अगला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट पार्ट, यानी पहले कुछ और पार्ट था और वो पार्ट क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं बीमारी के कारण। जैसे ये बड़ा अच्छा उदाहरण है, एयर ग्रीन, यानी ग्रीन एयर डिजीज, और ये तो इतनी बार एग्जाम में पूछता है, हरित बाली रोग। इसको क्या बोलते हैं बताओ हिंदी में, हरित बाली रोग। तो ये वाले बीमारी तो बहुत बार एग्जाम में आते हैं। किसका है, पर्ल मिलेट। हरित वाली रोग किसका है, हिंदी में लिखोगे तो बाजरा का। किसका है, बाजरा का। पर्ल मिलेट का मतलब क्या है, बाजरा। अब ये किससे होता है, स्क्लेरोस्पोरिया, स्क्लेरोस्पोरिया ग्रेमनिकोला। किससे होते हैं, ग्रेमनिकोला। इसी बाजरा, अच्छा ये पकड़ रहे हो, बाजार लिख, ठीक है। तो किससे होते हैं ये, अभी एफएसओ में आया, हर जगह ये क्वेश्चन आते हैं, पर आप सही। अब इसका चेंजिंग क्या है जरा ये देखो, इसमें क्या बताया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट पार्ट। क्या हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, जो ईयर है इसका, ये भाग जो है पूरी क्या कहला रहा है, ईयर। ये ईयर हेड है, ऊपर वाला जो भाग है इसे हम क्या लिख देते हैं बताओ, ईयर हेड। ये जो ईयर हेड है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्रीन लीफ लाइक संरचना में। अब ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है बताओ, ग्रीन लीफ लाइक संरचना में। तो इसी को बोलते हैं बाल है, अरे हेयर लाइक संरचना, कैसा हेयर, ग्रीन। तो इसको बोलते हैं हरित बाली, कैसा है बताओ, हरित बाली। तो ये एक आपको ध्यान में रखना है। अगला, अब बात करेंगे एट्रोपी हाइपोप्लेसिया या ड्वार्फिंग, यानी ग्रोथ से अब कम की बात करेंगे, कम करेंगे। पहला है क्या, एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज किसमें देखा गया है बताओ, मैंगो में। कैसा होगा, सर्कुलर स्ट्रक्चर बनेंगे, एंगुलर बनेगा, सम टाइम इरेगुलर स्पॉट्स होंगे, लिप्स पे हो सकता है, पेट्यूल्स पे होगा, स्टेम पे होगा, और किस पे होंगे, फ्रूट। एक बार सिम्टम्स ऐसे देख लो, किसमें है, मैंगो में एंथ्रेक्नोज, कोलाइटोट्राइकम ग्लोस्पोरोइड्स इसके कारण होते हैं, और ये क्या है, फंगस है। क्या है ये, फंगस। अगला, ब्लाइट कभी शब्द आ जाए और ब्लास्ट आ जाए, इन दोनों का मतलब होता है, गांव की भाषा में बोले तो ब्लाइट का मतलब होता है जलना। क्या होता है बताओ, जलना, कभी समझने के लिए। अब दो ब्लाइट आएंगे, एक का नाम तो अर्ली ब्लाइट और दूसरे का नाम क्या है, लेट ब्लाइट। तो अर्ली ब्लाइट में क्या होता है, ये पत्ती है, हम लोग को वाइवा में खूब पूछते थे, और ये रिंग लाइक संरचना बनेगा ऐसा। इस रिंग को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक रिंग। कैसा रिंग बन रहा है बताओ, कॉन्सेंट्रिक। ये देखो रिंग, मैंने सिम्टम
भी दिखाया, कॉन्सेंट्रिक रिंग बन रहे हैं। आप खेत में जाके ऐसे देखोगे आलू में यार रिंग बन रहा है पत्तियों पे, तो क्या बोलोगे? अर्ली ब्लाइट। और ये किससे होते हैं बताओ? अर्ली अल्टरनेरिया सोलेनाई। लेकिन दूसरा मैं बात करूं लेट ब्लाइट, तो लेट ब्लाइट में क्या होता है? हैवी डिस्ट्रक्शन होते हैं, यानी पूरी भाग जो ये वाले भाग दिख रहा है ऐसा, ये जला जला दिखेगा पूरा ऐसा भाग, ये क्या दिखेगा? जला हुआ। यानी पूरी क्लोरोफिल का यहां पे क्या हो गया? नाश। और ये पी से पछेती, हिंदी में तो ऐसे याद रखते हैं, ये कौन से झूलता है? पछेती झुलसा, झुलसा झुलसा का मतलब होता है जलना, मर जाना, झुलस जाना। और ये है पाइथोपथोरा, पी से पछेती, पी से पाइथोपथोरा, अ से अगेती, अगेती, और अ से अल्टरनेरिया, अ से अल्टरनेरिया, मिलता जुलता शब्द लग रहे हैं। तो ये किसका है बताओ? ज्यादा डेंजर कौन है, मोस्ट हार्मफुल कौन है, मोस्ट डेंजरस कौन है? तो मोस्ट डेंजरस कौन है? लेट ब्लाइट। मोस्ट डेंजरस कौन है? लेट ब्लाइट। मैंने ये दोनों लिख दिया, ये पोटेटो में भी होते हैं, और किसमें? टोमेटो में। पोटेटो में भी देखने को मिलता है, और किसमें? टोमेटो। इस सबको अच्छे से एकदम बना लेना बढ़िया से। कॉन्सेंट्रिक रिंग किसमें बनते हैं? डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, अगेती झुलसा। अगला हम बात कर रहे हैं कैंकर। ये कैंकर दोनों जगह देखने को मिलेगा, फंजाई से भी देखने को मिलेगा, और किससे देखने को मिलेगा? बैक्टीरिया। कैंकर में क्या होता है? नेक्रोटिक लेसन, यानी डेड स्पॉट्स बनेंगे। ये कैसा बनेगा बताओ? डेड स्पॉट्स, मरा हुआ ऐसा धब्बा, ये डेड स्पॉट्स, स्पॉट्स ही है, धब्बा के जैसा ही है, लेकिन ये कैसा है? डेड स्पॉट्स। किस पे बन सकता है बताओ? कॉर्टिकल टिश्यू ऑफ स्टेम पे, फ्रूट्स पे, और किस पे? लिप्स पे। इसको हम क्या बोल देंगे बताओ? कैंकर। बहुत अच्छा इमेज में दिखाऊंगा आपको सिट्रस कैंकर। किसका दिखाएंगे? सिट्रस कैंकर का। हो सकता है इमेज होगा तो अपन एक बार उसको देख ही लेते हैं, सिट्रस कैंकर, ये देखो। लेकिन ये जो सिट्रस कैंकर होता है, ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा बैक्टीरिया से। किसके कारण होते हैं बताओ? ये बैक्टीरिया से ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया। अब हम जो बात करेंगे नेक्स्ट, डैम्पिंग ऑफ स्कैब, एक बार देख लो इसको, स्कैब। ये सिम्टम्स जो है ये क्या है? स्कैब। स्कैब में क्या होता है? सनकन। मैंने बोला था ना कैसा लेसन बनेगा बताओ? सनकन। सनकन का मतलब होता है धसा हुआ, जैसे ये हथेली है, तो ये भाग क्या है? सनकन। राष्ट्रपति भवन किस गार्डन का उदाहरण है? सनकन, ऐसा धसा हुआ, तो इसको हम बोलते हैं सनकन, सनकन लेसन। ये एपल स्कैब किससे होता है, ये भी आप ध्यान रखना, फंगस का नाम यहां पर ध्यान रखना, वेंचुरीरिया इनेक्विलिस, ये पॉइंट आपको ध्यान में। डैम्पिंग ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट, कहां होगा डैम्पिंग ऑफ बताओ? ये किसकी मेजर डिजीज मानी जाती है? नर्सरी में। कहां माना जाएगा? नर्सरी में। और इसके उपचार के लिए आपको पता होगा, उपचार के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। किसका? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंजिसाइड का उपयोग हम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो डैम्पिंग ऑफ है कहां देखने को मिलेगा? जहां जहां पे क्या होगा? नर्सरी। तो नर्सरी कहां कहां पे होंगे डियर? वहां देखने को मिलेगा। टमाटर में क्या होते हैं? टोमेटो में नर्सरी होगा। ब्रिंजल में क्या देखने को मिलेगा आपको? नर्सरी। चिली में क्या देखने को मिलेगा? नर्सरी। यहां पे आपको कोल क्रॉप में क्या होते हैं? नर्सरी, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद पपीता की बात करें, पपाया में, वहां भी आपको देखने को मिलेगा क्या? डैम्पिंग ऑफ। और हम बात करें नर्सरी कहां मिलता है? ओनियन में मिलेंगे। और गार्लिक की बात करें, यहां भी आपको देखने के मिलेगा नर्सरी। इन सब जगह आपको ये बीमारी उपलब्ध होंगे। सॉइल बॉर्न नहीं, ये बीमारी माना जाता है सॉइल बॉर्न, सीड बॉर्न है, सॉरी उल्टा बोल देता मैं, सॉइल बॉर्न। कौन सा बीमारी है ये? सॉइल बॉर्न। ये कवक कहां होते हैं? मिट्टी में। और कवक का नाम पूछ लेगा तो कवक का नाम है पीथियम एफेनिडर्मेटम। क्या नाम है? पीथियम, पीथियम एफेनिडर्मेटम, तो ये ध्यान रखना। या कभी कभी एग्जाम में आ जाता है पीथियम स्पीसीज, बहुत सारे इसके स्पीसीज हैं, दो स्पीसीज तो आपके सामने लिखा हुआ है पीथियम, एक तो है एफेनिडर्मेटम और दूसरा क्या है? देवेरिनम। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। पीथियम स्पीसीज कैसा है? सॉइल सरफेस पे पाए जाते हैं, तो कौन सा डिजीज हो गया? सॉइल बॉर्न डिजीज। कहां लगेंगे? नर्सरी में। कौन सा एक कवक है जो इसको नुकसान करेगा? पीथियम। अगला है रॉट। रॉट का मतलब होता है सड़ना,
रॉट का मतलब ही क्या होता है? सड़ना, बस ऐसा सड़ा हुआ दिखेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? रॉट। द अफेक्टेड टिश्यू क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा, डिकम्पोज टू ग्रेटर एक्सटेंड एंड टर्न कैसा ये हो जाएगा, कलर में कैसा दिखेगा आपको? ब्राउन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रॉट। फ्रूट रॉट ऑफ चिली की बात करें तो किससे होता है? क्लोइट्रोट्राइकम, ट्राइकम कैप्सी। अगला, अब हम बात करेंगे डाईबैक। डाईबैक, डाई मरेगा, पर मरेगा जानते हो कैसा मरेगा? ये प्लांट टॉप टू बॉटम, टॉप से कहां मरेगा बताओ? बॉटम। यही बस केवल लिख लेना है इसे कि प्लांट तो मरेगा, लेकिन मरेगा कहां से? टॉप टू बॉटम। किससे होते हैं बताओ? फंगस से होगा। और ये फंगस अगर तत्व पूछा जाए तो मैंने एक तत्व का नाम लिखा था आपको, कॉपर। अगर तत्व किसकी कमी के कारण होता है डाईबैक एग्जाम में आ जाए, कॉपर की कमी के कारण। क से कॉपर, क से कवक, क से कॉपर, क से क्या है? कवक। तो ये दोनों आपको ध्यान में रह जाएंगे, कॉपर और कवक। ये इमेज कितना अच्छा इमेज आपको दिख रहा है, ऊपर से प्लांट धीरे धीरे नीचे की ओर क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्या? डाईबैक। ठीक है, अंडरलाइन में कर देता हूं आपको क्या लिखना है, बस केवल फ्रॉम, यानी कि ये प्लांट ड्राइंग होंगे, सूखेगा। एक तो ये ड्राइंग फ्रॉम द टिप टू डाउनवर्ड, बस छोटे छोटे पॉइंट। कई सारे इसके उदाहरण आएंगे, चिली में देखने को मिलेगा, टमाटर में, बैगन में, सब जगह आपको देखने को मिलेगा। अगला बिल्ट्स, बिल्ट्स का मतलब होता है मलानी, और इसको एग्जैक्ट गांव की भाषा में बोलते हैं मुरझाना। क्या बोलते हैं बताओ? मुरझाना। प्लांट मरा नहीं है, क्या हो गया है बताओ? मुरझा गया। तो मुरझाने का कई सारे कारण हो सकते हैं। मान लिया जाए ये कोई प्लांट है, इसका ये वैस्कुलर सिस्टम है और ये इसकी पत्ती है। वैस्कुलर सिस्टम में क्या हो सकता है? जाइलम फ्लोएम। और यहां पे आकर के कोई पैथोजन ने क्या कर दिया? इसको ब्लॉक कर दिया। तो ब्लॉक करने से क्या होगा? ऊपर पानी का मूवमेंट नहीं होगा, तो ये सारे पत्ती प्लांट ये कैसा दिखने लगेगा आपको? मुरझाया हुआ। इसको हम क्या बोलेंगे? बिल्ट। अधिकांशतः बिल्ट में क्या करते हैं, इस ब्लॉक को जो होता है, ये जो ब्लॉक अनसन करके बैठा हुआ है, सारे आंदोलन किया है, इसको आपको करना पड़ेगा ब्रेक। और ब्रेक करने के लिए उपयोग करते हैं जानते हो किसका? चूना का। किसका उपयोग करते हैं? चूना। जैसे आंदोलन हटाने के लिए पुलिस का उपयोग करते हैं, वैसा ही यहां किसका उपयोग करते हैं? चूना का। तो टोमेटो बिल्ट, ग्वावा बिल्ट, ये सब कई सारे उदाहरण है। और बिल्ट करने वाला जो मेन जो जीनस है इसका, वो कौन है? फ्यूजेरियम। कौन है? फ्यूजेरियम। तो फ्यूजेरियम ये ध्यान रखना, फ्यूजेरियम कहीं भी आ जाए तो ये क्या कर रहा होगा? बिल्ट। क्या करेगा? बिल्ट। चले आगे। नेक्स्ट जो सिम्टम्स आपको आने वाला है वो किसका है? बैक्टीरिया। अब लगभग आपने सिम्टम समझ गया, उसको लिखना है। लीफ स्पॉट्स बैक्टीरिया के द्वारा, पत्ती पे इस तरह से धब्बा हो जाएंगे। अगला मैंने बोला बिल्ट, बिल्ट का मतलब क्या होता है बताओ? देखो पूरी तरह से सूख गए, बैगन में बिल्ट हो सकता है, टमाटर बिल्ट, बैक्टीरियल बिल्ट होते हैं। अगला है कैंकर, तो कैंकर में इस तरह के, जब भी बैक्टीरिया आ जाए ना तो इसका एक सिम्टम्स याद रखना, ऊज लाइक। कैसा आपको सिम्टम्स दिखेगा बताओ? ऊज लाइक, जैसे घाव होते हैं ना उसमें पीव निकलते हैं, पस निकलते हैं, वैसा ही पस, पस को बोलते हैं ऊज। ऊज लाइक अपीयरेंस किसमें दिखता है आपको? बैक्टीरियल सिम्टम्स में। कहां दिखेंगे ये? बैक्टीरियल में। तो ये कुछ पॉइंट आ गया। अगर वायरस की बात करें तो वायरस में गुरुजी एक दो पॉइंट दोगे वायरस में, कि कुछ है ही नहीं आपके वायरस में। तो वायरस के लिए अगर मैं लिखना चाहूं दो चार पॉइंट तो आप लिखोगे, क्योंकि नोट्स बनाओगे आप। वायरस, वायरल सिम्टम्स के लिए बोलूं तो वायरल में आपको दो चार पॉइंट क्या क्या, एक तो कर्ल बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा मोजाइक। क्या दिखाऊंगा बताऊं? मोजाइक। मोजाइक का मतलब होता है यह एक कोई पत्ती है और इसका जो भाग होता है, वायरस क्या करता है इस पत्ती को ना, अच्छा इसको थोड़ा सा पहले मैं पत्ती जैसा बना देता हूं और इसको मैं बना दिया, ये हो गया मिडरिब। ये क्या है बताऊं? मिडरिब। और ये हो गया वेन। ये क्या है? वेन। ये क्या है? वेन, सिरा जिसको बोलते हो, ये क्या है? सिरा। तो वायरस जो क्या करेगा, इस सिरा को छोड़ करके यहां पीला कर देगा, यहां पीला करेगा, यानी यूनिफॉर्म पीलापन वो नहीं करता है, इस तरह के, ऐसा चितकावर के जैसा। कैसा करेगा बताओ? हिंदी में बोलते हैं ना उसको चितकावर। चितकावर का मतलब होता है दोनों रंग मिला हुआ, चितकावर यानी दोनों रंग मिला हुआ, ऐसा सिम्टम। इसको हम बोलते हैं मोजाइक। क्या बोलते हैं बताओ?
भिंडी में और अच्छे से देखेंगे, एलोवेन मोजाइक। ये अगला जो सिम्टम्स करेगा ड्वार्फिंग। ड्वार्फिंग का मतलब होता है बौनापन। ड्वार्फिंग का मतलब क्या होता है बताओ? बौनापन की अगर बात करें तो वो भी कौन करता है? वायरस, ठीक है। ड्वार्फिंग डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन, ये सिम्टम्स। डिस्टोर्शन का मतलब हो गया कि मान लिया जाए ये पत्ती है और इसका ये इतनी भाग है ही नहीं, यहां से पत्ती होता ना, ये भाग इसका क्या है? गायब हो गया। इतनी वाले भाग ये क्या हो गया? यहां से गायब। इसको बोलते हैं डिस्टोर्टेड, अनियमित। कैसा है बताओ? अनियमित, कोई रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, इसको बोलते हैं अनियमित। तो और एक लास्ट लिख देता हूं, मॉटलिंग, MOTTLING, मॉटलिंग। ये सिम्टम्स किसके आते हैं? वायरस का, ठीक है। चले अब आगे, इसके बाद जो हम टॉपिक शुरू करेंगे, तो ये क्लासिफिकेशन किसके आधार पे था? वायरस के आधार पे थोड़े थे, सिम्टम्स के आधार पे। किसके आधार पे था? सिम्टम्स के आधार पे। अब हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो करेंगे बेस्ड ऑन स्प्रीड, यानी बीमारी के फैलने के आधार पे। अगला जो हो रहा है वो कहां है? बेस्ड ऑन स्प्रीड। मैंने इतना पॉइंट देखो एक्स्ट्रा तुझे जोड़ दिया, एक दिन क्लास नहीं हुआ तो। टॉपिक यहां से शुरू होते हैं पर मैं जान के 30 स्लाइड एक्स्ट्रा लाया कि नहीं, थोड़ी सी अलग। अब ये पॉइंट सब जगह पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन, पहला है इपिडेमिक, इसका परिभाषा से पूछेगा। देखो जब भी कभी भी शब्द आ जाए इन, इन का मतलब होता है अंदर, इपी का मतलब होता है बाहर, यानी ये जो एरिया है इस एरिया से बीमारी कहां जा रही है बताओ? बाहर। इसको हम क्या बोलते हैं? इपी। इपी का मतलब क्या है? बाहर। इपी का मतलब बाहर, यानी बड़े क्षेत्र पे ये बीमारी फैलने वाली है, उसको हम क्या बोलेंगे? ईपी। तो मैंने अंडरलाइन कर दिया वाइडली इन लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया कैसा कवर करेगा ये? ज्यादा, वाइड। ईपी का मतलब ही क्या होता है? ज्यादा। और इन का मतलब इंडेमिक आ जाए, इन का मतलब क्या होता है? अंदर। इन का मतलब क्या होता है? अंदर। ऐसे दिमाग में रखेंगे, एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में व्यापक। और ये डैमेज जो करेगा जानते हो? डिस्ट्रक्टिव। ये बीमारी यानी कि हल्का फल्का, बहुत ज्यादा नुकसान करेगा, क्षति होगा कैसा? विनाशकारी प्रकार का। नेक्स्ट, इसका उदाहरण आपको आना चाहिए एक दो, कौन कौन है? आयरिस फेमाइन, फेमाइन में पढ़ा चुका हूं आपको। कौन कौन फेमाइन पढ़ाया था? चार फेमाइन पढ़ाया था, एक तो आयरलैंड वाले, आयरलैंड फेमाइन। ये किसके कारण 1845 में हुआ था? दोबारा एक रिवीजन कर लो, किसके? लेट ब्लाइट। दूसरा आपने पढ़ा था बंगाल फेमाइन, कौन सा फेमाइन पढ़े वो बताओ? बंगाल फेमाइन। बंगाल फेमाइन में हुआ था लीफ स्पॉट्स, याद है ना, लीफ स्पॉट्स। और ये किस में हुआ था? धान में। और धान में जो काउज करने वाला था उसका नाम क्या था? हेलमेंथो स्पोरियम ओराइजी। क्या नाम है? हेलमेंथो स्पोरियम ओराइजी। उसके बाद आपने पढ़ा था एक डाउनी मैल्ड्यू, और डाउनी मैल्ड्यू कहाँ फैला था? फ्रांस में। फेमाइन इसके पहले की जस्ट क्लास में पढ़ाया हूं। और एक आपने पढ़ा था कॉफी रस्ट, क्या पढ़े थे बताओ? कॉफी रस्ट। और ये श्रीलंका में एक जगह है जिसका नाम है सेलोन, क्या नाम है? वहां पे फैला था। तो ये चार आपको फेमाइन मैं पढ़ा चुका हूं। ये किसी भी फेमाइन का उदाहरण आ जाए, ये सब किसका है? अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कौन से बीमारी के अंतर्गत आएगा? ये आएगा इपिडेमिक। कौन सा आएगा बताओ? जानते हो ये सब बीमारियों का अध्ययन, सारे बीमारी यार ये बीमारी है सब, तभी से पैथोलॉजी की महत्व थोड़ी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि दो दो मिलियन लोग इसमें क्या किए? मारे गए थे। तो इसके अध्ययन, इस बीमारी के अध्ययन यानी इपिडेमिक के अध्ययन, ये कहलाता है क्या? इपिडेमियोलॉजी। इसके स्टडी को ही क्या बोलते हैं बताओ? इपिडेमियोलॉजी। तो ये एक छोटा सा पॉइंट और इसमें लिख लेना कि इस बीमारी के अध्ययन कहलाता है इपिडेमियोलॉजी। अगला, इंडेमिक डिजीज क्या है? नाम से ही पता है, स्थानिक रोग, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया पे ही ये बीमारी, बाहर नहीं भागेगा। अब ये बीमारी इस क्षेत्र के कहां रहने वाले हैं बताओ? ऐसा इमेज जरूर बना लेना, अंदर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंडेमिक। ये बीमारी कैसा है? हो सकता है ये बीमारी किसी डिस्ट्रिक्ट में हो या तो किसी कंट्री में भी फैल रहा है, पर वही रहेगा,
तो ये क्या कहलाएगा? एंडेमिक। क्या है ये? एंडेमिक। अगला हम बात करें टाइप ऑफ डैमेज, कैसा डैमेज करेगा। उधर तो डिस्ट्रक्टिव था, ये मॉडरेट यानी मध्यम से सीवियर तक जा सकता है। इसका उदाहरण क्लब रोड कैवेज में किसी खास जगह को ही देखो, हर साल ये आते हैं और यहीं पे अपना नीलगिरी जो रीजन है वहां पे अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है, कौन है बताओ? क्लब रॉट ऑफ कैबेज। किससे होते हैं? फंजाई से। इंडेमिक मैंने बताया किसी पर्टिकुलर एरिया में ही अपनी बीमारी को क्या करे, जैसे मलेरिया कोई पर्टिकुलर एरिया में हो रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया हो रहा है, टाइफॉइड, ये तो अपने एनिमल का ले लिया, कोलेरा, लेकिन होगा ये कहाँ? पर्टिकुलर रीजन में, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडेमिक। अगला है स्पोरेडिक डिजीज। स्पोरेडिक डिजीज किसे कहते हैं बताओ? ये कुछ स्थानों में ये नियमित नहीं रहते हैं। किस अंतराल पे होते हैं बताओ? अनियमित। इसका इंटरवल कैसा है? इरेगुलर है। रेगुलर नहीं है, कैसा है? इरेगुलर है। लेकिन ताकत अगर बोला जाए इसका, तो यह कम और दुर्लभ अवसरों पे होता है। ठीक है, जैसे बाजरे की हरी वाली रोग, अभी मैंने बोला ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं स्पोरेडिक डिजीज के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अगला ये आएगा पेंडेमिक। अभी आपने कोविड का नाम सुना ना, तो कोविड किसके अंतर्गत आएंगे बताओ? पेंडेमिक। क्या होता है? इट अकर्स थ्रू, अब ये ना कंट्री को पार करके महादेश में चले जाते हैं, कंटिनेंट में चले जाते हैं, यानी पूरे विश्व में जो रोग फैल जाए, विश्वव्यापी रोग इसको कहा जाता है। किसको कहते हैं बताओ? पेंडेमिक। बस ऐसे शब्दों में ही खेल है। अब इसमें कई सारे बीमारी जो हैं जो पेंडेमिक के रूप में उभर कर आई। अब हम जो दूसरा क्लासिफिकेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं, कौन कौन से क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया जरा बताना। हाँ अभी सर, पता ही नहीं होगा। सबसे पहले मैंने पढ़ाया आपको बायोटिक एबायोटिक, दूसरा मैंने पढ़ाया होस्ट के आधार पे, सीरियल्स को करेगा अलग बीमारी है, हॉर्टिकल्चर को करेगा वो अलग बीमारी, वो तो अपन डिटेल पढ़ेंगे। तीसरा मैंने पढ़ाया था सिम्टम्स के आधार पे, भाई कौन गॉल करेगा, कौन स्मट करेगा, कौन ब्लिस्टर करेगा, कौन रस्ट करेंगे, कौन स्मट होगा, पाउडरी मैल्ड्यू, डाउनी मैल्ड्यू, कर्ल करेगा, मोजाइक करेगा, सिम्टम्स के आधार पे। चौथा मैंने बात किया था डिजीज के फैलने के आधार पे, कुछ जिला में ही रह जाएगा, कुछ देश के अंतर्गत रह जाएगा, कुछ विदेशों में चला जाएगा, यानी विश्वव्यापी हो जाएंगे उसके आधार पे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो अपना जो टॉपिक है डियर, वो है डिजीज। कितने नंबर आ गया? चार, फिफ्थ नंबर। डिजीज बेस्ड ऑन, डिजीज बेस्ड ऑन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन यानी कह सकते हो सबसे पहला इन्फेक्शन कहां से स्टार्ट हुआ इस प्लांट का, यानी प्राइमरी इन्फेक्शन, पहला इन्फेक्शन ये जो स्टार्ट किया थ्रू, किसके द्वारा स्टार्ट किया ये बीमारी। हो सकता है कोई बीमारी शुरू किया होगा सॉइल में रह करके, सॉइल बोर्न डिजीज कहेंगे। हो सकता है पहला बीमारी स्टार्ट हुआ है कहां से? सीड से। तो कौन सी बीमारी होगी? सीड बोर्न। हो सकता है ये कहां से आ गया होगा बताओ? एयर से। मेनली आपको ये तीन बीमारी के बारे में ही देखना है, कौन कौन? सॉइल बोर्न, सीड बोर्न और कौन है? एयर बोर्न। ठीक है, अब हम टॉपिक को यहां से शुरू करें, आराम से दूसरी क्लासिफिकेशन की ओर चलें। ऑनलाइन वाले भैया सब मस्त हो आप लोग? पढ़ा ही देता हूँ, हो सके 2-3 दिन में आऊं, नहीं आऊं।